यार मेरे साथ इतना अजीब एक इंसिडेंट हुआ ना, मुझसे रुका नहीं गया, मुझे लगा मुझे फटाफट आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और ये चीज पहले भी हो चुकी है मेरे साथ, बट कल जो हुई वो थोड़ी अजीब थी। हुआ क्या था, मैं अपने एक फैमिली मेंबर को लेने गया था, तो मैं उनका नीचे वेट कर रहा था, सोसाइटी में रहते हैं वो। सो उस टाइम पे एक थोड़े एक बुजुर्ग से अंकल आते मेरे पास, और ऐसे साइड वाले शीशे पे इस पर जो ड्राइवर के साथ वाला जो पैसेंजर सीट है उनके खिड़की पे ऐसे नॉक करते हैं। मैं नीचे शीशा करता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि एवरेज कितना देती है। तो अब मेरे को गाड़ी इस समय 16.5 की एवरेज दे रही है। मैंने बोला अंकल मुझे इस समय 16.5 की मिल रही है इन सिटी। तो उन्होंने मेरे ख्याल से सिटी शब्द नहीं सुना, तो उनको लगा कि 16.5 की एवरेज मुझे ये हाईवेज पे देती होगी। तो मैंने कहा नहीं अभी तो 16.5 की दे रही है। तो कहता फिर अंकल जी कहते कि सिटी में तो 11-12 की देती है। मैंने कहा अंकल सिटी में तो मुझे 16 की दे रही है, 16-16.5 की दे रही है, बाहर मुझे 20 तक की एवरेज दे देती है हाईवेज पे। फिर लाइक अंकल ना बड़े डिसअपॉइंटेड थे कि मैंने गाड़ी की एवरेज ज्यादा बता दी। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उनके साथ साथ एग्री करूंगा कि हाँ गाड़ी की एवरेज बेकार है। यार अगर होती तो एग्री करता, नहीं हुई तो क्यों एग्री करूंगा। चलो अब एवरेज वाला पॉइंट हट गया। अब दूसरा वाला पॉइंट आता है कि गाड़ी बहुत छोटी है, गाड़ी में स्पेस नहीं है। मैंने कहा अंकल 7 बंदों के हिसाब से तो ठीक है, ऐसा नहीं है। कहते नहीं 6 सीटर के लिए तो बेस्ट है ये। मैंने कहा अंकल अगर काफी मोटे ताजे लोग हैं, 90-100 किलो वाले हैं, तो फिर 6 सीटर का मानू मैं, नहीं तो अगर नॉर्मल है एक जो एक नॉर्मल हमारा रहता है एक एवरेज सा, उस हिसाब से तो 7 सीटिंग के लिए ठीक है। लाइक मेरे ये स्टेटमेंट सुनने के बाद अंकल गुस्से में आ गए। अल्टीमेटली हुआ क्या, जो मुझे रियलाइज हुआ वो ये था कि अंकल मुझे एग्री करवाना चाहते थे कि भाई ये गाड़ी अच्छी नहीं है, ड्राइवर कार एक अच्छी कार नहीं है, और मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया है ड्राइवर गाड़ी को लेके कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, और वो मुझे ये रियलाइजेशन करवाना चाहते थे। मे बी वो डिसअपॉइंटेड होंगे अपनी चॉइस के साथ, क्या पता उनके पास ड्राइवर हो, क्या पता उनके किसी नोन के पास ड्राइवर हो, वो दुखी हो इसलिए मुझसे इंक्वायरी कर रहे हो, जो भी रीजन हो सकता है, मैंने इतना उनसे पूछा नहीं। बट एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगी, अगर आप अपनी गाड़ी से खुश नहीं हो, इट डजंट मीन कि दूसरा इंसान भी अपनी गाड़ी से खुश नहीं है। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी मिलती है, स्पेस में 7 बंदों की क्या बात है यार, मैं तो 8-9 बंदे बिठा के गाड़ी चला चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब तीनों रो में एसी है तो दिक्कत की क्या बात है यार, 7 सीटर हो या 8 हो, 9 तक बैठ जाते छोटे बच्चे अगर आ जाए तो लाइक यार मैं कैसे समझाऊं लोगों को कि बड़ा ना वियर्ड लगा मुझे कि आप दूसरों को भी अपने साथ ये रियलाइज करवाना चाहते हो कि नहीं ये गाड़ी ही बेकार है, जिसने गाड़ी ली वो दुखी है। नहीं भाई नहीं दुखी, हम तो नहीं है दुखी। और मैं जानता हूँ मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल खुश है अपनी गाड़ी के साथ, स्पेशली ड्राइवर की अगर मैं बात करूँ तो वी ऑल आर हैप्पी, और खुश क्यों ना हो। हमने एक सोच समझ के कैलकुलेटेड हमने एक्सपेंस करा है, ड्राइवर गाड़ी लेने के पीछे हमारा मोटिव बड़ा साफ सुथरा था कि भाई हमारा 7-7.5 लाख का बजट है, उस बजट में हमें एक 7 सीटिंग कार मिल रही है जिसका इंजन इतना पावरफुल नहीं है कि आप उसको रेस कार की तरह भगा सको, बट हाँ 7 सीटर कार सोच समझ के बना रखी है कंपनी ने, तो इंजन में इतनी ताकत दी है कि 7 बंदों को बिठा के आप कंफर्टेबली अपनी गाड़ी को चला सको। आपको ऑटोमेटिक वर्जन मिल रहे हैं, आपको मैनुअल वर्जन मिल रहे हैं, आपको तीनों रो में एसी मिल रहा है, आपको टच स्क्रीन मिल रहा है, अब तो आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल गए हैं, अब आपको हाइट एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन मिल गया है ड्राइवर सीट पे। तो यार चलो वो टॉप मॉडल्स में सही, टॉप मॉडल कितने का है, 8 लाख कुछ समथिंग का है, अभी 2022 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, स्टिल अर्टिगा के बेस मॉडल से सस्ता है राइट। तो यार जिस बजट में जो आपको गाड़ी मिल रही है आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स का अच्छे से आइडिया है, कैलकुलेटेड रिस्क लिया है हमने तभी हमने गाड़ी खरीदी है, और गाड़ी लेने के बाद अगर पहली बात इतनी ही बेकार गाड़ी होती तो हर महीने 3-3.5 हजार जो बिक रही है नहीं बिक रही होती। पहले मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैंने ड्राइवर फर्स्ट टाइम ली, मैंने अगस्त 2020 में ली थी, उस टाइम पे बहुत कम लोग मुझे दिखते थे ड्राइवर के साथ, और अब बहुत कॉमन है। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा दिखती है, बट हाँ दिखती है, इतना
बहुत है कि हाँ चल रहे हो और सुबह जाओ रात को जाओ किसी भी शहर में जाओ आपको ड्राइवर कार दे जाएगी। तो मेरा ये बड़ा वियर्ड एक्सपीरियंस था भाई। मुझे और भी दोस्त मिले हैं, नॉन मिले हैं, जो मुझे पूछते हैं कि भाई गाड़ी ठीक है ना, लाइक बेकार सी चीज तो नहीं है ना, लाइक ओके है ना। तो ये उनका डाउट है क्योंकि उनको इस गाड़ी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे फिर उनको आंसर्स मिल जाते हैं, ये अलग बात है। बट दूसरे को रियलाइज करवाना कि नहीं बेकार गाड़ी है ये है, पहले आपने माइलेज से शुरू करा फिर आप साइज पे चले गए, आप खुद ही स्टिक नहीं हो रहे हो कि किस पॉइंट पे मैं ये फील करवाऊं कि गाड़ी बेकार है, आपको बस रैंडम कोई भी पॉइंट मिल रहा है तो बोल दिया। और अंकल को एक और बात, वीडियो खत्म करने से पहले, अंकल को जब मैंने अपना एवरेज का बताया ना तो उनको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लिटरली वो फिर साइड में आकर उन्होंने चेक करा एवरेज का। यार बूढ़े थे तो मैंने कुछ बोला नहीं, ना उन्होंने मुझसे ऐसे रूडली कोई बात करी कि मैं उनसे बदतमीजी से या कुछ इस तरीके से, यार चाहे रूडली भी बात करी वो बड़े हैं तो बदतमीजी करनी क्यों, राइट। बट आई वॉज हैप्पी कि भाई ही वॉज ट्राइंग टू मेक मी रियलाइज कि आपने गलत गाड़ी ली, बट आई वॉज हैप्पी कि मैंने नहीं ली और मैं उनकी बातों में एग्री भी नहीं करा, मैंने साफ उनको बोला कि अंकल जी मैं तो खुश हूं। सो ये मेरा एक बड़ा वियर्ड और बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था रिगार्डिंग दिस कार। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, चाहे आपके पास ट्रेवर है या कोई दूसरी कार है, कोई भी कार हो आपके पास, अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि आपने कैसे टैकल करा, और फ्यूचर में अगर किसी के साथ होता है तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उनको कैसे टैकल करना चाहिए, राइट। तो मैं मिलता हूँ लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, गाड़ी को स्मार्टली सेफली कंफर्टेबली और रिलैक्स होकर गाड़ी ड्राइव करा करो हमेशा, और चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, राइट। तो मैं मिलता हूँ लोगों से अपनी अगली वीडियो में, टाटा एंड बाय बाय।